रूप न देख न रंग किछ त्रैगुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नान का जिस हो सो परसन। जिसका रूप कोई नहीं और किसी रेखा से भी जिसको दर्शाया नहीं जा सकता, जिसका कोई रंग नहीं और जो तीन गुणों से अतीत है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण के मिश्रण से प्रकृति इस सब जगत को रचती है। तमोगुण अर्थात इनर्ट डलनेस नॉन एक्टिविटी, रजोगुण माने क्रिया शक्ति सृजन मूवमेंट वाइब्रेशन, और सत्वगुण मतलब प्योरिटी इसेंस रिफाइंड शुद्ध साफ। और ये तीन गुण के मिलने से ही, तीन गुण के आपसी एक्टिविटी से ही जगत का होना हो रहा है। हमारे इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि संघात में अगर देखें तो शरीर तमोगुण है, इंद्रियां रजोगुण है और मन सत्वगुण है, जिससे द मेन इंग्रेडिएंट फ्रॉम वेयर इट हैज कम आउट। शरीर तामसिक, शरीर तब तक नहीं चलता जब तक इसको मन नहीं चलाए। शरीर जड़, हाथ को नहीं पता कि वो हाथ है, मन जानता है ये हाथ है। इंद्रियां रजोगुण, जैसे ही आंख खुलती है बाहर के किसी एक स्टिमुलाई से एक इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आंख के रेटिना से स्पाइन, स्पाइन से दौड़ के दिमाग में पहुंचती है और दिमाग उसको समझता है और फिर वो मोटर एक्टिविटी का एक न्यूरॉन भेजता है जिससे हमारी इस आंख ने क्या देखा है इसकी समझ भी आती है। और मान लीजिए अगर वो चीज़ को वो पकड़ना चाहता है तो हाथ उठेगा लेने के लिए, या वो आग है और दूर होना चाहे तो वहाँ झटके से वो पीछे हो जाएगा। तो नर्व इम्पल्सिस और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग, दिमाग में मस्तिष्क में विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है कि वहां से समझ लगती क्या देखा, और दिमाग से ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स निकलता है जिससे व्यक्ति के शरीर में कुछ मूवमेंट होती है। ये सारा खेल इलेक्ट्रिसिटी का है, इंद्रियों की फंक्शनिंग, आंख का देखना कान का सुनना, कर्म इंद्रियां हाथ पांव उपस्थ गुदा जीवा, ये सब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिया। एक माइक्रोसेकंड के भी लाखवें सेकंड से ज्यादा स्पीड से ये सब इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं, आंख से दिमाग तक, आंख से स्पाइन तक, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग तक, दिमाग से वापिस आंख तक, और मन सोचता है समझता है ये ठीक है ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये निर्णय यहां हो रहे हैं। पैरालिसिस क्या है?
ना तो सेंस स्टिमुलाय दिमाग के उस हिस्से तक जा रहे हैं और ना मोटर एक्टिविटी का स्टिमुलाय पूरी तरह उस ऑर्गन तक पहुंच रहा है. इसीलिए वह उसका मन सोचता है मैं हाथ हिलाऊं, पर हाथ हिलता नहीं. क्यों? दिमाग से ऑर्डर पहुंच नहीं रहा, सर्किट में खराबी हो गई. ये विषय अपने आप में बहुत बड़े हैं, बड़े गहरे विषय हैं, लेकिन सार रूप से ये जानिए कि तुम्हारा शरीर, तमस, इंद्रियां, रजोगुण, मन सत्वगुण, मन मूल प्रकृति सत्वगुण है, लेकिन मन में ये जो चंचलता आई है, चिंता, विक्षेप, लोभ, मोह इत्यादि, ये जो सब आया है, ये रजोगुण कहाँ से आ गया? ये सब रजोगुण भी इसी मन की प्रकृति है. सोचें आपकी आंख ने क्या देखा, वो इंपल्स दिमाग तक पहुंचे और उसकी एनालिसिस समझने वाला मन ही नहीं हो, तो पता कैसे चलेगा क्या रंग है? तो मन के अंदर ये क्रिया शक्ति, ये क्रिया आनी जरूरी है. मैं बोल रही हूं, बोलना रजोगुण है, पर अगर कोई जीभ से गाली गलौच अब शब्द बोलता है जिसको सुन के कोई दुखी होगा, कोई पीड़ित होगा, तो वो शब्द रजोगुण हो गए. आज शब्द सत्वगुणी भी हो सकते हैं, ज्ञान विज्ञान के शब्द सत्वगुणी है. आपको बहुत क्रूर भाषा, क्रोध वाली भाषा बोले तो ये तमस है. तीन गुण के विस्तार से सब सृष्टि है और गुरुदेव कहते हैं त्रय गुण ते प्रभ भिन्न. भिन्न हिंदी का शब्द है, माने अलग. इन तीन गुणों की बनी सृष्टि से परमात्मा अलग है. तिसे बुझाए नानका, जिसको वो कृपा करके समझ दे वही जान पाएगा. जिस पर वो प्रसन्नता से ये मार्ग खोल दे बस वही जान पाएंगे, बाकी यही तीन गुण के चक्कर में पड़े रह जाएंगे. क्यों पड़े रह जाएंगे, क्यों का कोई उत्तर नहीं है. किसी को क्यों प्रसन्नता से वो खोल देगा मार्ग, इसका भी कोई उत्तर नहीं है. बस ये कहते एवरीथिंग इज मिस्टीरियसली हैपनिंग, गेम इज हैपनिंग, थिंग्स आर अनफोल्डिंग. हमारे अंदर के, हमारे बाहर के सब जो ये जो खेल चल रहे हैं, मिट्टी के ढेर से एक शरीर बना, माँ बाप, भाई बहन, लेना देना, आना जाना, दौड़ धूप, फिर शरीर एक दिन मर जाता है, फिर वापस मिट्टी, हंस खेल फिर माटी हुई. खेल ही तो है, लेकिन अगर कोई इस खेल में सीरियस हो जाए तब मुश्किल. खेल को खेल की तरह देखने की क्षमता जिसमें नहीं है, यह उस जीव की भूल है. लेकिन सच यही है, मन का मूल स्वभाव सत्वगुण है. रजोगुण क्रिया शक्ति है, रजोगुण भी बुरा नहीं होता. तो बुरा क्या है? तमोगुण. जब एक साधक ध्यान के लिए बैठता है वो शरीर को स्थिर कर रहा है, तमोगुण स्थिरता है. पर एक स्थिरता है समाधि की, एक स्थिरता है नींद की. देखने में दोनों एक से हैं, पर दोनों में बड़ा फर्क है. व्हाट काइंड ऑफ स्टिलनेस यू हैव? जब मन मूढ़ होता है तो भी स्टिल हो जाता है. मूड समझते हो, अजीब सी कंफ्यूजन में हैंग हो जाता, समझ ही नहीं आती क्या बोल रहा है सामने वाला. परमात्मा इन तीन गुणों से परे है, इन तीन गुण से अलग है,
और जिस पर ईश्वर की प्रसन्नता होगी वह उसको जान पाएंगे। और ये बात तय है, वो कोई शक्ल नहीं जिसको तुम देख लो, वो कोई रंग नहीं जिसको तुम देख लो, वो कोई रेखा नहीं है जिसको तुम समझ लो। अविनाशी प्रभ मन में राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिसते परे नहीं किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। सविनाशी को अपने मन में रखो और मन में से मानवों की प्रीत को त्याग दो, और उससे आगे और उससे परे कुछ भी नहीं, और सर्व के हृदय में, सब मन के आधार में वही एक चैतन्य है। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। ये परमात्मा की स्तुति करते हुए गुरुदेव कहते हैं, आपे बिना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वही है, गहन से गहन वही है, आपे दाना, दान स्वरूप, दान देने वाला भी वही है। दाना माने दिल बड़ा भी होता है, गहर गहरा, गंभीर गहीर, गहीर अर्थात शांत, सुजाना समझदार, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शंद। ये उसका स्वभाव है, ईश्वर का स्वभाव है। कृपा करते हैं, कृपा का खजाना है, दयालु हैं, बख्शिश करते। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक के मन ये अनराव। जिसने ये जाना, जिसने ये समझा, जिसने इस परमेश्वर गोविंद को जाना समझा, उसी को साध कहते हैं। और ऐसे साध की शरण में मैं जाऊं, ऐसी साध के शरणागति में मैं हो जाऊं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी इच्छा है। परमात्मा की बात करते करते ये अचानक से साधु की बात कहां से आ गई, इसको भी जरा सोचने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि परमात्मा का पता चलता कैसे अगर कोई संत इस विषय में बताता नहीं। तो सोचिए, सारे ग्रंथ, सारे पुराण शास्त्र कुछ नहीं होते, आपको पता चलता परमात्मा है? हिंदुओं से उनके पुराण उपनिषद वेद छीन लो, डिलीट कर दो दिमाग से, स्मृतियों से, लाइब्रेरियों से, घरों से। सिखों से श्री गुरु ग्रंथ साहब ले लो, मुसलमानों से उनका कुरान शरीफ छीन लो, ईसाइयों से बाइबल, यहूदियों से तोरा, जैनियों से जिन सूत्र। ज्ञान विज्ञान की जहां बात हो, वहां सब जगह से उस सब धर्म ग्रंथों को अगर हम हटा दें, तो बोलिए परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में मनुष्यों को क्या पता लगेगा? नथिंग। प्रश्न ये उठता है, ये सब ग्रंथ कहां से आए? ये सब ग्रंथ किसी साधु की अनुभूति का प्रगटाव है। जैसा जैसा समझा ऋषियों ने और उसको बोला, जो बोला वो वेद है, जो समझा गुरु नानक साहब ने और जो कहा और उनके साथ बाकी छह गुरु और भक्त, तो उसका संग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहब है। बाइबल, द न्यू टेस्टामेंट, ईसा के वचन, उनका उपदेश,
इंजील, तोरा, मोजिस, अहुरा माजदा, जरतुस्त्र, पारसियों के पैगंबर जरतुस्त्र, उनने जो बोला अहुरा माजदा। तो आप देखेंगे कोई भी ग्रंथ, दुनिया के किसी धर्म का कोई भी ग्रंथ, बिना उसके पैगंबर, बिना उसके उस पीर, बिना उसके उस गुरु के नहीं है। तो यहाँ साध शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक लेकर उन सब महापुरुषों, उन सब महान व्यक्तित्वों का स्मरण करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर उनके चरण शरण न मिले तो मानव को कैसे पता चले भगवान है। भगवान न रूप, न रेख, न रंग, कैसे पता चले उसका। मनसा पूर्ण शरणा जोग, जो कर पाया सोई होग। मानव के मन की इच्छा को पूर्ण करने योग्य है और जो वो चाहता है वो होता है। अच्छा, आप कहोगे ये तो बड़ी दुनियादारी वाली बात हो गई, मनोकामना वाली बात तो नहीं हो गई। ना ना, वो बिल्कुल भी नहीं। मानव की इच्छा क्या है? आप चीजों का नाम लेंगे, मैं कहूंगी उन चीजों से वो क्या चाहता है। आनंद, नेम एनीथिंग, चाहिए क्या उससे? चाहिए तो आनंद ही, और आनंद स्वरूप स्वयं परमात्मा है। तो मनुष्य की इच्छा आनंद की ये पूरी करने की योग्यता परमात्मा की है, विदाउट एनी क्वेश्चन। हरण परण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने होर। हरण भरण, भाई जब तेरी आंख खुलती है और जब तेरी आंख बंद होती है तुझे ये दुनिया दिखती है। अब ये उसी काव्यात्मक ढंग से कह रहे हैं कि जब उसकी आंख खुलती है तो दुनिया होती है और जब उसकी आंख बंद होती है तो सृष्टि मिट जाती है। इसका मंत्र न जाने होर, ये जो उसके पास मंत्र है, ये जो उसके पास ताकत है, इसके बारे में और कोई दूसरा नहीं जान सकेगा। कैसे? अभी तुम आंख खोलो तो दुनिया दिखती है, अभी तुम आंख बंद कर लो तुम्हारी दुनिया दिखनी बंद हो जाती, तुम्हें दिखनी बंद हो जाती। वो कह रहे जब ईश्वर की आंख खुले तो जगत हुआ और जब बंद होवे तो सृष्टि मिट जाती। अब इसका अर्थ आप ये ना लीजिए कि अभी तो कहा रूप नहीं रेख नहीं तो ये आंखें कहाँ से आ गई। कुछ चीजें काव्यात्मक ढंग से कही जाती है। ये समझाने के लिए कि तेरी समझ से परमात्मा की, ईश्वर की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्वथोक सुनिए करता के। उसका स्वरूप आनंद है, उसका स्वरूप मंगलकारी है। सर्वथोक माने सब चीजें, सुनिए घरता के, उसके घर में सब चीजें हैं। आपको क्या चाहिए वो मिलता है। देखो, आपने एक घरवाला एक घरवाली मांगे थे, मिल गए? नहीं मिले। अब आप कहो जी अच्छे नहीं मिले। देखिए, अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं, अच्छे बुरे की बात वो कह सकता है जिसके पास वैसा अपना भी गुण हो। कोई हीर होवेगी तो राजा मिल ही जाएगा। अब खुद हीर है नहीं, राजा ढूंढे वो तो मिलना नहीं। एक लड़की अपने माँ बाप से कहती, मुझे ऐसा पति चाहिए जो ताकतवर हो, मुझे समझता हो, और घुमाना भी, घुमाए भी, खिलाए भी, पिलाए भी, अकलमंद भी बड़ा हो, देखने में भी सुंदर हो, पैसे भी बहुत सारे हों, ताकत भी बड़ी हो, शोहरत भी बड़ी हो, दुनिया भी उसे पहचाने,
मेरे मन की भी बात समझे, माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखे, कह रहे बेटा ऐसा अगर हम सोचते तो तू कभी पैदा नहीं होती, ऐसे नहीं मिलते। जो मांगा तुमने मिला है, जो चाहा वो मिला है। तुम्हारी चाहते दुनिया की थी, सो दुनिया की ही चीजें मिल गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष बोले चारों चीजें परमात्मा के घर में हैं, जो चाहिए ले लो। आप कहते हो अर्थ दे दो और कामनाओं की पूर्ति हो जावे, धर्म से लेना देना नहीं, मोक्ष से लेना देना नहीं, फाइन, मिलेगा जो मांगोगे वो मिलेगा। और मिलने के बाद दुख होवे, कष्ट होवे, सुख होवे, इसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना, उसकी तो नहीं। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपी, सरग्रस्त में भोगी, त्याए त्याए पगते हैं सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। परमात्मा व्यापक है तो राजा में वो राजा है, जोगियों के अंदर वो जोगी है, कोई ग्रस्त है तो वही भोगी है, कोई तप करे तो वही तपीश्वर है, वही तप भोगता है। भक्तों का सुख उसका ध्यान करने में है, तो ध्याए त्याए उसका ध्यान करके, उसका ध्यान करके भक्तों को सुख मिलता है, लेकिन उसका अंत, उसका पारावार कोई नहीं पा पाएगा। किस पुरख का? उस पुरख का। किस पुरख का? अकाल पुरख का, काल से बाहर पुरख का, उसका अंत कोई नहीं पाएगा। ध्यान करो, ध्यान का आनंद सुख लो, लेकिन उसका आर पार समझने की कोशिश करोगे तो वो नहीं। जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अब गाहे। जिसकी लीला को तुम मति से समझ नहीं सकते हो, और तुम क्या सब देवता हार गए समझने की कोशिश करते करते, वो नहीं समझे तुम कहां से समझोगे। अब आगे उदाहरण देते, पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। बाप का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये कोई बेटा नहीं जान सकेगा, क्योंकि जब बाप का जन्म हो रहा था तब बेटे का तो कहीं आता पता भी नहीं। कैसे जानेगा वो? पिता के जन्म को जैसे पुत्र नहीं जानता है, इसी तरह से मानव चाहे तो परमात्मा के अंत को या उसके गहराई से जानना चाहे तो जान नहीं सकता। बुद्धि परमात्मा को जान नहीं सकती, पर बुद्धि परमात्मा में लीन की जा सकती है। सगल परोई अपने सूत, सूत्र में सबको पिरो रखा है उसने, माला के हर मन के से सूत्र निकल रहा है। ऐसे ही तुम्हारे हर एक के मन के अंदर से सूत्र उसी का निकल रहा है, वही है एक सूत्र जिसने सबको बांध के रखा। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जन दास नाम त्यावे से। सुमत, सुमत के विरोध में हो गई कुमत। सदबुद्धि और अंधबुद्धि, जिसके पास सद्बुद्धि होगी, ज्ञान वाली बुद्धि होगी, जिनकी मति अच्छी होगी, उनको ज्ञान ध्यान मिलता है और वही नाम का ध्यान करने वाले भक्त हो जाते हैं। अब आपकी मति कैसी है, आपको ये ठीक करना है। मति अच्छी नहीं, उसे सुमति बनाइए। ये
सुमति शब्द से ही निकला है, सुमति से ही निकला है श्रीमती। हिंदी में विवाहित स्त्री को श्रीमती कहा जाता है और पुरुष को श्रीमान। कभी सोचा नहीं होगा, श्री मने सद, मती मने बुद्धि, जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है सो श्रीमती। आजकल वैसे दुनिया भर में जहाँ जहाँ स्त्रियों के साथ श्रीमती शब्द लगता है वो सब सदमती वाली हैं क्या? किसी को भी बोल देते श्रीमती, किसी को भी बोलते श्रीमान, जिसका मन श्री है, सत्वगुणी, ज्ञानमयी, श्रीमान, ये आदर का है। हमारे निर्मल संप्रदाय में मैंने देखा था कि वो महात्मा लोगों के नाम से पहले श्रीमान शब्द लगाते। एक बार मैं एक ऐसे निर्मल सत्संग में गई तो उन्होंने मेरा नाम जब बोला तब उस समय उन्होंने साथ में बोला श्रीमती। हैं, मैं पागल हो गई, किनको समझ नहीं है। तो मैंने मेरे साथ बैठे एक से कहा, मैंने कहा स्पीकर को करेक्ट कराइए, इन्होंने गलत बोला है। तो उन्होंने कहा, कहते नहीं, हमारे निर्मल संप्रदाय में जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है उन्हीं को श्रीमान, चूंकि आपका देह स्त्री है इसलिए श्रीमती। अब आप तो बड़ी शरीर से बड़ी उम्र के बैठे हो मेरे सामने, देखने में अकलमंद भी लगते हो, पर तुम्हें यह सब मजाक लगा। हम उस समय 15 साल के थे, हम नहीं समझ पाए। हमें तो उन्होंने जब बताया, लेकिन तुम्हें तो मैं अभी बता के हटी हूं, तुम फिर नहीं समझ पाए। इसलिए कहते हैं अभी आप ना श्रीमती हैं ना श्रीमान हैं, मंदमती और मंदमान। अभी बोला मैंने, जिसकी मति सुंदर, श्रीअर्थ चैतन्य, श्रीअर्थ सौंदर्य, श्रीअर्थ लक्ष्मी, जिसके पास ज्ञान की लक्ष्मी है सो श्रीमती। मति माने बुद्धि, और जिसके मन में श्री है सो श्रीमान। तो वो 5-6 दिन, क्योंकि हमने अपने आसपास सब विवाहित लोगों को ही श्रीमती नाम से सुना था, तो 4-5 दिन एक बार जब भी वो अनाउंस करे तो थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगे, सुन में क्या बोल रहे हैं ये। पर उनके यहां ऐसा ही चलता। ऐसे ही बिहार से एक सत्संग मंडल की कुछ महिलाएं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके भी सब श्रीमती, सब अविवाहित हैं, विवाह नहीं किए उन्होंने, पर वेदांत की बड़ी समझ, तो उनके भी नाम के साथ ये लगता। तो श्रीमान, संत, आगे जो भी नाम, पहले श्रीमान लगता। जिनकी बुद्धि सात्विकी है, शुद्ध है, ज्ञानमयी है, उन्हें ज्ञान और ध्यान मिलता है, उन्हीं के अंतर ये क्षमता आती है कि वो नाम का ध्यान कर सके। तह गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं 3 गुणों में भटकते रहेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, फिर आवेंगे, जावेंगे, लेकिन परमात्मा ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। वो ऊंचा क्या नीचा, परमात्मा के घर कोई भेद नहीं, वो सब जगह मौजूद है, लेकिन जिसको वो जैसा जनवाए वैसा ही कोई उसको जानेगा। अपने आप से तो मन माया से भ्रमित है। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करे एक रंग। नाना माने कई प्रकार का, अनेक उसके रूप है, अनेक उसके रंग है, अनेक उसके भेष है, पर अंदर से वो एक ही रंग है।
नाना विद कीनो विस्तार प्रभ्यवनासी एकंकार। नाना प्रकार से उसने अपने आप को विस्तार दिया है, अनेक प्रकार से। परमात्मा जिसे हम कहते हैं वही माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर है, और वही ईश्वर प्रकृति के साथ मिलके अनेक रूप का विस्तार उसी का हुआ, वही सृष्टि, वही जीव हुआ है। लेकिन मूल रूप से प्रभु एक ही है और ओंकार स्वरूप है, ये उसका मूल स्वरूप है। नाना चलित करे खिन माहे पूर रहो पूरन सबटाए। अनेक प्रकार के वो कर्तव्य करता है एक क्षण में, लेकिन पूरे का पूरा फिर भी उसी जगह में मौजूद है, ठाए मने उस स्थान पर वो मौजूद रहता है। नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई। नाना मने अनेक अनेक विधियों से उसने स्वयं को ही बनाया, और अपनी कीमत वो आप ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकेगा। सपने का सब संसार तुम्हारा मन नहीं बनाता क्या? और अपने ही बनाए स्वप्न के संसार को देख के तुम्हें कभी संशय नहीं होता है कि ये झूठ है? होता है कभी? तुम्हारे लिए वो सच। जब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति है कि तुम स्वप्न का जगत बना सकते हो, तो क्या ईश्वर की माया में इतनी शक्ति नहीं कि ये जगत बना दे? सब कट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हर नाम। सब मन उसके है, सब घर उसके है, सब स्थान उसके है, और मैं नानक उसी का नाम जप जप करके जी रहा हूं। आप कैसे जीते? नाम जप के, उसे सब जगह देख के, कि नाम भूल के माया सच समझ के? फर्क। अब आगे जो पंक्तियां आ रही हैं ये नाम की महिमा और नाम की व्यापकता और नाम की शक्ति के विषय में बता रहे हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम से ही ये धरती का खंड पैदा हुआ है, नाम से ही ब्रह्मांड पैदा हुआ है, नाम से ही सब जीव जंतु हुए हैं। अब ये एक बात समझने की, बड़ा विज्ञान है इसमें। अब हम विज्ञान की जो बात बोलने जा रहे हैं, जिनकी बुद्धि उसे समझ ना पावे, सक्षम ना होवे, सुन लें अभी, शायद किसी दिन बात गहरे में आ जाए। एवरी साउंड हैज अ पैटर्न। हर ध्वनि तरंग का एक आकार होता है, हर ध्वनि तरंग की एक शक्ति होती है, हर ध्वनि तरंग का एक रंग भी होता है। साउंड इंजीनियर्स समझते हैं इसको। आवाज को तोला जा सकता है, कितने डेसिबल की है आवाज का वजन होता है। हर ध्वनि का एक पैटर्न होता है, एक ग्राफ होता है उसका। और ये ग्राफ तब बनता है जब पहले शब्द होता है। बिना शब्द के हुए शब्द का ग्राफ, शब्द का वो फॉर्म नहीं बनता है। तो इस दुनिया में जितने भी फॉर्म्स तुमको दिख रहे हैं, आकार दिख रहे हैं, वो सब शब्द से निकले। बाइबल यही बात कहती है।
At first there was word, and this word was God. यही बात वेद कहता है. सबसे पहले ओंकार प्रणव की शब्द ध्वनि थी जिससे सब प्रकट हुआ. The primordial sound is pranav, ओंकार. सब कुछ वहां से निकला. ये विषय अपने आप में बड़ा गहरा भी है और गंभीर भी है. अभी के लिए इतना ही समझिए. सब कुछ, सब चीज की उत्पत्ति उसी नाम से हुई है. नाम से ही ये सब खंड और ब्रह्मांड हुए हैं. नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान. सब स्मृतियों पुराणों शास्त्रों को भी नाम ने धारण किया है. नाम से ही निकले हैं. और नाम को श्रवण करने के लिए भी जो ज्ञान सुन रहे हो वो भी शब्द है. जो ध्यान लगाओगे उसमें भी शब्द इन्वॉल्व है. बहुत गहरी कुछ एक साधनाओं का संकेत है इनमें. बहुत गहरी साधना है. नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगले आकार. आगास मतलब एक तो ये आकाश जिसको हम देख रहे हैं ये हमारे सौर्य परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर आकाश और भी बहुत सारे हैं. यही नहीं, समस्त आकाश, परे से परे, ऑल दिस इन डिफरेंट गैलेक्सीज. और पाताल द नीदर वर्ल्ड्स. इस धरती के ऊपरी क्रस्ट को अगर आप खोदेंगे तो इसके नीचे भी बड़े प्रकार के जीव मिल जाएंगे. उसको किसने धारण किया? समुद्रों की गहराइयों में जो जीव है वो किसकी वजह से हैं? नाम की वजह से. नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण. पुरिया, पुरिया माने भिन्न भिन्न. ये जो देश आपको दिख रहे हैं और उन देशों में बने मकान, बोले वो भी नाम से. और नाम को सुन करके नाम के संग जो जुड़ेंगे उनका उद्धार हो जाएगा. एक शब्द वो है जो तुम बोलते हो, एक शब्द वो है जो हो रहा है. जो तुम शब्द बोलते हो वो तो उसका भी कुछ समय तक श्रवणीय स्थिति होती है, उसके बाद वो लीन हो जाता है. लेकिन एक शब्द ऐसा है जो न लीन हो रहा है, तुम्हारे लिए तभी प्रकट भी नहीं है वो. You don't know. You actually don't know anything. खाने पीने सोने से ही फुर्सत नहीं. साधना की इन गहरी चीजों को क्या समझोगे? मन में चलता रहता है व्यर्थ विषय विकार. कैसे सुन पाएगा उसको? मनुष्य के देह में पशु है, अकल है नहीं इतनी सी भी. ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सत्संग सुनने के बाद भी जब लोग मुझे मिलते हैं तो मैंने देखा वो वही स्यापे दुनिया के रोने मेरे सामने रखते हैं. हमें नहीं सुनना. दूर ही अच्छे हो तुम. तुम्हारे पास कोई ढंग की बात है क्या? या नींद आती रहती है और या मन की कला क्लेश में पड़े रहते हो. ये स्थितियों का अनुभव कब करोगे? करोड़ जन्मों बाद. एक नाम वो है जो हो रहा है, उस नाम से सब उत्पन्न हुआ है. उस अक्षर से, उस
ध्वनि से सब उत्पन्न हुआ। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। जिसको वो अपना नाम देवे, किसको देवे? जो मांगे। तुम मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं। चौथे पद में सो जन गत पाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन पद में तुम जानते हो तुम्हारा प्रवेश है, चौथे पद का तुम्हें पता नहीं। क्या है वो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोल के फायदा क्या? खोज की चीज है ये रहस्य। मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि आपको आदत हो चुकी है ऊंची ऊंची बात सुनना और पड़े रहना वही संसार के विषय वासना में, तो गिरे रहो वहीं पे। इसलिए इसको हम इतना ही बोलेंगे। चौथे पद में जिस व्यक्ति की गति हो जाएगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, तुरीय पद में जिसकी स्थिति हो जाएगी, उसके लिए कुछ भी फिर गुप्त नहीं रहेगा, सब प्रकट हो जाता है। अरूप सत, जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रदान। परमात्मा का रूप भी सत्य है, जहां वो रहता है वो स्थान भी सत्य है, और वह पुरुष ऐसा है जिसमें सत्य ही प्रधान है। करतूत सत, सत्चा की वाणी, सतपुरख सब मैं समानी। परमात्मा आप भी सत, वो जो कर्म करे वह भी सत, जो वो जो उसके बारे में कहा जा रहा है ये वाणी भी सत, और ये सत की समाही जो पुरुष अपने अंतर उस सात्विकता को लाएगा, उस खोज को लाएगा, वो सतपुरख वो जान लेगा इसको। सत कर्म जा की रचना, सत मूल सत सत उत्पत्त। ईश्वर का कर्म भी सत, ईश्वर ने जो रचना बनाई वो भी सत, मूल भी सत, और जो इस मूल से उत्पन्न हुआ है वह भी सत है। सत्करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली। उस निर्मल परमात्मा का खेल कैसा निर्मल है, जिसको समझ आ जाए। फिर आ रही वो भी कह रहे जिसे बुझाए, जो बुझ ले इसको, वो भी बुझा नहीं रहे, जो बुझ लेगा उसको वो जानेगा, बुझेगा वही जो खोजेगा, खोजेगा वही जिसमें अभ्यास और वैराग्य है, जिसमें अभ्यास नहीं वैराग्य नहीं। वो अज्ञानी अज्ञानी पैदा होगा, अज्ञानी मर जाएगा, इस सत को नहीं समझ पाएगा। सतनाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। परमात्मा का नाम सत्य है, वही सुख देता है, पर ये विश्वास बोले ये उसी सत की ही देन है, और मिलता है गुरु से। सत की खोज मानव अपने आप कहां करता, जब वो किसी सतपुरख को मिलता है, सत वचन सुनता है, तभी इस मार्ग में उसका प्रवेश होता है। वही पंक्तियां अब आगे आ रही हैं, सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। जब ये साधु का उपदेश सुनेगा, और साधु का उपदेश सत्य का ही होगा,
और उपदेश नहीं सुने सत नहीं मिले। ज्ञान का उपदेश सुने तो सत मिले। अब उपदेश भी वही सुनेगा जिसको खोजे, जिसे खोज नहीं वो कहेगा क्या टाइम खराब करना, कुछ और कर लेंगे, इतनी देर में तो हम लाखों रुपया और कमा लेंगे, क्या सुनना। जिसके लिए संसार सच और परमात्मा झूठ है वो नहीं खोजेगा, वो खुश है संसार के लल्लो चप्पो करने में बड़ा खुश। हार्ड मास के बने शरीर को चूम चाट के बड़ा खुश। तुम्हारे लोगों की बेहोशी शायद तभी टूटती है जब मौत का झटका आता है, पर उसमें भी जो मरता है ना उसके लिए रो रो करके अपने मन को और खराब कर लेते हैं, मन में वैराग्य फिर भी नहीं आता है। लोग मिलते हैं, कोई रोएगा मेरी घराली मर गई, कोई रोएगा मेरा घराला मर गया, कोई रोएगा मेरा पुत्र मर गया, 6 महीने 6 साल पहले मरा, आज भी रो रहे हैं उसको। हम एक ही प्रश्न पूछते, मरना झूठ है क्या? जो जन्मा है वो मरेगा नहीं, और आप कौन होते हो ये तय करने वाले कि कौन कब मरेगा? आपके हाथ तो कंट्रोल नहीं है, आपके हाथ में आपके शरीर के जीने का कंट्रोल है क्या? इफ डेथ स्ट्राइक्स यू कैन यू स्टॉप डेथ? जब तुम नहीं रोक सकते हो अपनी मौत को तो वो कैसे रोकते? मर गए, आई मौत, मर गए, छुट्टी। हम बैठे रो रहे हो, रोने से क्या होगा? सच बात यह है, बाप मर जाए किसी और को बाप बना सकते हो, कोई चाचा ताया कोई अच्छे बाप बना, माँ मर जाए माँ नहीं कोई बना सकते हो, घरवाला मर जाए नया घरवाला मिल जाएगा, घराली मर जाए नई घराली आ जाएगी, बच्चे मर जाए किसी के लोग बच्चे गोद ले लेते हैं, पर तुम मर गए जीवन कहां से लाओगे? देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर लाइफ, देर इज नो अल्टरनेट टू योर ओन लाइफ, एंड यू आर वेस्टिंग योर लाइफ फॉर पीपल। आप दिन रात घुटने रगड़ लो दुनिया के लिए, दिन रात खड़े सेवा करने के इनके, जिस दिन मरोगे ना बस ये अच्छे थे, लो मैं बोल देती हूं अच्छे, इतना ही सुन के शांति होती है तो क्या मिलेगा? व्यर्थ की चीज में मन अटकाया है। सच कहूं तो ये जो पंक्तियां इस समय आगे चल रही हैं ना मेरे, आई डोंट सी यू इन कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट सी यू। ये कोशिश कब से कर रही हूं कि वो ना कहूं जो मुझे दिख रहा है और बस वो कहूं जो सामने में पढ़ रही हूं, पर किसको कहूं? खुद को? आपने अपनी बुद्धि को इतना मलिन करके रखा है। एक बच्चा दूध लेने के लिए डेयरी पे गया और वो बंदे को कहते हैं लो मेरे को इसमें दूध दे दो, बर्तन का जब ढक्कन खोला तो बर्तन गंदा अंदर से, डेरी वाला कहता है तो बर्तन साफ नहीं, बेटा इसमें मैं दूध नहीं डाल सकता, उन बच्चा बोल नहीं माँ ने दिया है दे दो इसी में, बोले ना इसे धो के साफ करके लाओ फिर दूंगा, दूध खराब हो जाएगा।
बच्चे ने वापिस डोल अपने माँ को दिया, कमंडल दिया कि दो गंदा है, साफ किया और फिर गया दुकानदार के डेयरी वाले ने, अब दूध डाल दिया। दूध डालने से पहले देखा जाता है बर्तन साफ है या नहीं, ये तो ज्ञान है। जिस मन में डाल रहे हैं वो नहीं देखे वो मन साफ है या नहीं। बच्चे को तो बोला बर्तन वो माँ ने धो के वापिस दे दिया, अब मैं आपको कहती हूं जाओ मन धो के लाओ अपने। वाणी बड़ी पवित्र है, बड़ी कीमती है, यह अशुद्ध मन के लिए नहीं है। पर यह भी बात सच है कि इसके साथ अगर जुड़ा रहे, अगर इसका चिंतन करता रहे और अपने मन की मैल को खुद धोता रहे तो यह वाणी साबुन का भी काम करेगी, मन धो भी देगी। पर ऐसी पहले समझ तो आवे कि मन गंदा है और मन को साफ करना है। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मितगत, जिसकी सृष्ट सुकरने हार, अवर न बूझ करत बिचार। जिसकी सृष्टि है वही इस सृष्टि में कर्म कर रहा है, जिसकी सृष्टि है वही कर्ता इसका जिम्मेदार भी है। और अवर न बूझ करत बिचार, और कुछ क्या अब मैं कहूं समझूं समझाऊं और क्या विचार दूं। सच यही है, जिसकी ये दुनिया है उसी की है, वही खेल कर रहा है। करते की मित ना जाने किया, नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। उस कर्ता के मित माने गहराई, मित माने कर्ता की बुद्धि को आप नहीं जान सकेंगे। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है इस सृष्टि में, वह सब कुछ का कर्ता वही है। तो जब वही है कर्ता, तो इस दुनिया में फिर गलत क्या हो रहा है? कुछ भी। कहीं भूचाल आया, कई लोग मर गए, तुम कहते हो बड़ा बुरा हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम आपके शरीर में 3.5 अरब से ज्यादा जीवाणु रहते हैं, बैक्टीरिया। इसी बैक्टीरिया की जब संख्या कहीं कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो रोग होता है। गुड फ्लोरा अगर मुंह में कम हो जाए तो माउथ इन्फेक्शंस, पेट में कम हो जाए तो पेट के इन्फेक्शंस। आपने एक गोली खाई और उस गोली ने क्या किया, शरीर में आए हुए बुरे बैक्टीरिया को मार दिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा दी। तो यही क्या है, वही सब जीवाणु ही तो है। लैक्टोबैसिलस, आप दही खाते हैं उससे आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया का जो गिनती है वो बढ़ जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। आपके पेट में इन्फेक्शन थी, आपने गोली खाई, गोली खाई तो जो खराब बैक्टीरिया थे वो मरने लग गए, जो अच्छे वाले थे वो तगड़े होने लग गए। तो मरते हुए सब कह रहे हैं ये ईश्वर ने हमें क्यों मारा। पूरे शरीर के सिस्टम को चलाने के लिए बहुत कुछ होता है। ये मानव शरीर अपने आप में इस पूरी सृष्टि का एक सैंपल है, माइक्रोकॉस्मिक, एक छोटे यूनिट में पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड है इस शरीर में। आपको मालूम आपके फेफड़े ये रिब केज में, रीढ़ की हड्डी के इस जाल के अंदर आपके ये दो फेफड़े, अगर इनको हम बाहर निकाल के खोल दें, इसके टिश्यूज को जोड़ दें और फैला दें, 35 मील एरिया में फैलेगा।
और वही इतना बड़ा लंग के टिश्यू को समेट के इतना छोटा सा करके ये तुम्हारे रिब केज में अंदर पड़ा है, छोटी बात है क्या? खेल चल रहा है? पोटेशियम, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इन्हीं का खेल है इस शरीर में। इन्हीं में एक चीज कम हो जाए तुम बीमार हो जाते हो। खेल है ये। जो हो रहा है सृष्टि में किसी कारण से हो रहा है, जो हो रहा है गुरुदेव कह रहे हैं गलत नहीं हो रहा है, इट इज हैपनिंग फॉर अ कॉज। बाणी की अगली पंक्ति लेते हैं। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बुझ्या तिसे आया स्वाद। बिस्मन विस्मित, विस्मित विस्मित हूं मैं इस विस्माद का अनुभव करके। देखिए एक तो है शब्द आनंद, एक शब्द है सुख और एक शब्द है विस्माद। सुख संसारी लोगों को भी पता है क्या है, आनंद ध्यान करने वाले स्मरण करने वालों को मिलता है, वो जानते हैं आनंद क्या है। और विस्माद ये सिर्फ ब्रह्मवेत्ता जानता है। विस्मित हुई बुद्धि जिसको जान के विस्माद उसको कहते हैं। इतना आनंद, परा आनंद, परे ते परे। पर ये कौन जानेगा जो बूझेगा? फिर आया शब्द बूझे, फिर आया शब्द बूझे। चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी लगती हैं। अभी आपका मन सुख से दुख, दुख से सुख में गोते खाता है। अभी आनंद का पता नहीं, पहले आनंद ढूंढो। जब आनंद मिल जाएगा, बड़ा रस, बड़ा रस, बड़ा रस उसमें, पर फिर आनंद से भी आगे एक और स्थिति है, वो है विस्माद। लेकिन जो बूझेगा कहते स्वाद उसी को आएगा, बाकी तो समझ भी नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। प्रभ के रंग राच जन रहे, गुरु के वचन पदारथ लहे। जो प्रभु के रंग में अपने मन को रचा के रखते हैं, मन को जोड़ के रखते हैं, जो गुरु के वचनों के अंदर पड़े उस श्रेष्ठ ज्ञान के पदार्थ को निकाल लेते हैं। शब्द वही है, बट देयर इज अ मैसेज इन द वर्ड्स। क्वेश्चन इज दिस, डिड यू मिस द मैसेज और डिड यू गेट जस्ट द वर्ड्स? आपको क्या मिला? शब्द के, शब्द के अंदर का वो संदेश। एक उदाहरण देती हूं मैं। पति पत्नी दोनों बैठे थे, आई मेहमान आ गए, अनवांटेड मेहमान आ गए। पत्नी आधे घंटे तक तो साथ बैठी रही ये सोच के कि शायद चले जाएं, पर वो गए नहीं, वहीं बैठे हैं। तो फिर वो कहती है, अच्छा चलो मैं चाय बना लाती हूँ। वो गई किचन में, वो गई तो गई, आई नहीं। पति आवाज देके कहते हैं, वो चाय रख दी, आनी नहीं। मेहमान सोच रहे हैं कि आएगी नहीं चाय, ये कह रहा है, वो कह रहा आनी नहीं, कुछ और कर ले तू जो करना है, नॉट नीडेड। शब्द वही हैं, लेकिन उन शब्दों में कुछ और भी कहा जा रहा है।
ज्ञान के शब्द कोई भी पढ़ ले, चार पैसे खर्चे कोई भी पढ़ ले, लेकिन उन शब्दों के अंतर जो ज्ञान होता है वो हर आदमी नहीं पकड़ पाता। इसलिए लोग शब्दों के ज्ञानी तो हो जाते हैं पर ज्ञानी नहीं हो पाते, ज्ञान स्वरूप नहीं हो पाते। गुरुदेव कहते हैं, ओए दाते दुख काटन हार, जाके संग तरे संसार। प्रभु आप दुख काटने वाले हो, आपके ही संग संसार से कोई तरता है, तुम ही दुख काटते हो। जन का सेवक सेवड पागी, जन के संग एक लिव लागी। जन, जन शब्द का अर्थ भक्त भी है, जन शब्द का अर्थ संत भी है। जन का सेवक, भक्त का जो सेवक है, बोले वो भी बड़े भाग वाला। जन के संग एक लिप लगी, क्योंकि उस सेवक को इस संत इस भक्त के साथ रहते रहते उस एक के साथ मन जोड़ना आ जाएगा। अब ये बात थोड़ी दूसरी दिशा में लेके जा रहे हैं, और वह दिशा है गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे। गुण गावे गोविंद के, कीर्तन करे गोविंद का, जस गाए परमात्मा का, बोले गुरु की कृपा का फल उसको अपने आप मिल जाता है। मन से ध्यान, जीवा से कीर्तन, तन से सेवा, तीन ही चीजें, या थ्री फैकल्टीज, बॉडी सेंसेस एंड माइंड, शरीर इंद्रियां और मन। पहले शरीर से सेवा करें, इंद्रिय इंद्रिय से गुणगान करें, आया था ना पीछे, आंखों से देख दर्शन सत्संगत का, संत महात्माओं का, नैनो पेक ठाकर का रंग, साध संग बिन से सब संग। इंद्रियां कान, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हाथों से अच्छे काम कर, कानों से कथा सुन। चरण चलो मार्ग गोविंद, पैरों से चल के जा गोविंद के रास्ते पर। मिथ्या नहीं रसना पर्स, पीछे पंक्ति आ चुकी है, इस रसना से मिथ्या संसार में प्रवेश न कर, मन में प्रीत निरंजन दर्श, मन में परमेश्वर का दर्शन कर। इन्वॉल्व योर सेंसेस इनटू इट। देखिए आप जब किसी किसी मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो वहाँ पर भी आपकी ये सेंसेस को इन्वॉल्व किया जाता है। आप देखिए, आप मंदिर में गए, सबसे पहले क्या है, एक अच्छा बिल्डिंग दिखती है, आंखें इन्वॉल्व हो गई। अंदर गए, मूर्ति है, उस पर अच्छा अच्छा श्रृंगार है, कपड़े है, पोशाक है, अच्छे अच्छे फूल हैं, आंखों को अच्छा लगता है देखना। अगरबत्ती है, नाक को सुगंधी अच्छी आती। घंटे घड़ियाल कीर्तन हो रहा है, ध्वनि कानों को आती, आपकी कान इन्वॉल्व हो गए। प्रसाद खाने को मिला, जीव पे रखा, चरणामृत लिया, प्रसाद खाया, रसनेन्द्र इन्वॉल्व। अब जब आपकी ये सारी इंद्रियों को यहां इन्वॉल्व कर दिया, तो मन के लिए आसान हो गया ना फिर परमात्मा का नाम जपना, या मन का जोड़ जोड़ना। कई बार लोग बड़ी दूर दूर ट्रैवल करके जाते हैं कि ये गुरुद्वारा बड़ा अच्छा है, क्यों, गुरुद्वारा तेरे घर के पास भी है, वहां क्या खास है, वहां डेकोरेशन अच्छी, वो अच्छी लगती मन को, आंखें देखती अच्छा मन को लगता है, वहां प्रसाद अच्छा मिलता है, वहां कीर्तन अच्छा होता है। कीर्तन सुनते हैं कान,
अच्छे फूल डेकोरेशन देखती हैं आंखें, अच्छा प्रसाद होगा खाएगी जीव, अच्छा सेटिंग सिनेरियो होगा, अच्छी खुला है तो अच्छी हवा है, बॉडी को अच्छा लगता है। यही कारण है कि मंदिर और गुरुद्वारों को सुंदर रखने, साफ रखने का क्रम चलता है, सो दैट इट अट्रैक्ट्स योर सेंसेस। तुम्हारी आंखें यही मांगती हैं, कहते चलो यहां देते हैं। मंदिर है तो मूर्ति को नया नया ड्रेस बनाते हैं, सावन का महीना आ जाए फूल के बंगले बनाते हैं, फूलों से डेकोरेशन करते हैं, आए हुए भक्तों पर गुलाब और इत्र छिड़के जाते हैं। और भक्त कहते बड़ा मजा आया, मजा तेरी इंद्रियों को आया, अभी परमात्मा से कोई रिश्ता जुड़ा नहीं है। जुड़ा क्या? शब्द सुने, कीर्तन सुना, वो कानों में गया, एंटरटेनमेंट फॉर योर ईयर्स। पर ये जरूरी, क्योंकि अभी आप इंद्रियों के स्तर पर जीवन जी रहे हो, तो इंद्रियों के स्तर पर ही ऐसी चीजें की जाती हैं जिससे आपकी इन्वॉल्वमेंट यहां हो जाए। अब इंद्रियों को बांध दिया तो मन का, देखिए मन क्या है, इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तो बाहर जाता है, और इंद्रियों को इन्वॉल्व कर दिया इस चीज में, अब मन कहां जाएगा? तुम्हारा मन फिर भी चला जाता है, क्योंकि मन की ममता और 10 जगह जुड़ी है। शरीर से गया है मंदिर, मन से याद करता है घर को, तो वहां सब डेकोरेशन, खाना पीना, जो सेंसेस को इन्वॉल्व करने का प्रयत्न हो रहा था वो सब व्यर्थ हो जाता है। अब आप सब यहां बैठे हो, क्या आप पूरी तरह से यहां हो? शरीर तो है, आंखें इधर मेरी तरफ देख रही हैं, पर क्या मन भी है साथ में? कि मन कहीं और कोई का ख्याल आया मन में? और अगर आया तो आप एब्सेंट हो गए यहां से। एंड द क्वेश्चन वाज टू ब्रिंग योर माइंड हियर और जस्ट बॉडी? सिर्फ शरीर लाना था यहां पर कि मन भी आना चाहिए था? मन के बगैर शरीर यहां बैठाया तो क्या, मन भी चाहिए। तो इन आखिरी पंक्तियों में गुरुदेव कह रहे हैं, गोविंद के गुण गा, जीव इन्वॉल्व हो गई। कीर्तन करेगा तो सुनेगा भी, कान इन्वॉल्व हो गए। अब इन कानों से, इस जीवा से जब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ एक करने की कोशिश करोगे, गुण गाओगे, कीर्तन करोगे, नाम जपोगे, तो इट विल हेल्प योर माइंड टू इंटरनलाइज, इट विल हेल्प योर माइंड टू ब्रिंग कामनेस। मन टिकेगा। और आप अगर चाहते हैं कि मन टिके, देन यू नीड टू इन्वॉल्व इवन योर सेंसेस, और यू नीड टू टेम योर सेंसेस। आप यहाँ रह रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा मान लीजिए अचानक आपकी जीव को कुछ अच्छा खाने की इच्छा आ जाए और लगे यार आश्रम का सीधा साधा रोज एक सा मज़ा नहीं आ रहा, मर्जी का कुछ हो। अच्छा आसपास यहाँ नहीं, अब तो बड़े चीज़ें खुल गई हैं, टैक्सी मिल जाए, मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ कुछ मन मर्जी का खा लूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाए, आपकी जीभ ललचाई, आपका मन आपके शरीर को यहां से ले जाएगा। यू नीड टू रेस्ट्रेन योर सेंसेस, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। क्या चाहिए जीवन में? अगर कोई एम ना हो तो लोग अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। देर इज नो एम। व्हाट इज एम फॉर योर लाइफ? एक ने कहा पैसा,
पैसा आ जाएगा तो कह रहे मजे करेंगे। मजा जो चीजों के ऊपर आश्रित है वो मजा तो खत्म हो जाएगा जब चीज खत्म हो जाएगी। दुनिया की कोई चीज ऐसी है जो खत्म ना होती हो? आप एक लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी लाए और घर में उसे देखा, बड़ा मजा आ रहा है। फिल्म खत्म, मजा खत्म। वही फिल्म कितने बार देख लोगे? आप कोई खाने की चीज लाए, बड़ी स्वाद, खाने बैठे, बड़ा मजा है, चीज खत्म। अब क्या करोगे? तुम्हारा मन कहेगा और पैसे कमाओ, फिर से और लाएं, फिर से और चीजें लाएं और खाएं उनको। यहीं से दौड़ शुरू हो जाती, चीजें खत्म होती रहती है। लाने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए काम करना चाहिए, काम करने के लिए आपको वक्त वहां देना पड़ता है, वजन छूट जाता है। सो आपको यह भी समझना होगा दैट यू नीड टू कर्टेल योर वांट्स एंड यू नीड टू लिव विद योर नीड्स। जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना एक बात होती है और अपनी ख्वाहिशात और डिजायर्स और डिमांड्स और शौक पूरे करने के लिए काम करना दूसरी बात होती। अब वो बात अलग है। एक महिला मुझे मिली, कहती मर्सिडीज इज माई नीड। इट्स नॉट माई वॉन्ट, आई नीड अ बिगर कार। 70 लाख की गाड़ी मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा नहीं है। बड़ा बगीचे का घर मेरी जरूरत है, इच्छा नहीं है। बहुत अच्छे। आदमी कैसे अपने आप को धोखा देता है, आदमी कैसे अपने आप को बेवकूफ बनाता है। तो इच्छाओं और जरूरतों के फर्क को समझे, इंद्रियों की दासता ना करे, मन की गुलामी ना करे, मन को शांत रखे, इंद्रियों को संयमित रखे और फिर जीवन में सोचे विचारे मेरी जिंदगी का एम क्या है। आखिरी दिन जब यहां से कूच करोगे, दुनिया से, जीवन से, शरीर से, व्हाट वुड बी योर अटेनमेंट? मकान, दुकान, बच्चे, बीवी, परिवार, वो तो सब यहीं रहना। आपकी प्राप्ति क्या है? अभी तो मूछों को ताव दे दे के कहता है मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, और मृत्यु की घड़ी में ना मूछ को ताव देने की याद रहेगी, ना हाथ उठेगा, ना ये होश रहेगी, और पैसे तेरे बच्चे और तेरे रिश्तेदार आपस में समेट रहे होंगे। एक सज्जन हमारे प्रेमियों में से, सत्संगियों में से एक है, उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और वो आईसीयू में भर्ती है। और उनकी पत्नी जैसे आम साधारण सीधी सादी होती है, उन्हें कुछ पता नहीं, कुछ समझ नहीं, बिजनेस लेन देन कुछ नहीं पता उसे। पति बेहोश अंदर पड़ा है, कोमा में है, पत्नी बाहर अपने बच्चों के साथ रो रही है, परेशान है, और पूछने वाले, हालचाल पूछने वाले लोगों का आना जाना जब शुरू हुआ तो लोग पता क्या पूछते हैं? पहले अब तबीयत कैसी है, फिर वो मेरे 20 लाख थे उनके पास, मेरे 10 लाख थे उनके पास, मेरे 2 लाख थे उनके पास। तो जिनका पैसा देना था वो तो आ रहे हैं, जिनसे उसने लेने थे वो कोई नहीं आया। अब पत्नी बड़ी परेशान, उसका मुझे फोन आया, बहुत प्यार करने वाला परिवार, पर कभी कभी मैं ये
कहती हूँ, आज जोर से कहती हूँ, सिर्फ मुझे प्यार करना ही काफ़ी नहीं, जो मैं साधना कहती हूँ वो साधना करना भी ज़रूरी है। साधना नहीं करोगे शरीर रोगी होगा, रोगी होके मर जाओगे तो फिर क्या करोगे, प्यार भी कैसे करोगे हमसे, हेमरेज का रीजन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों, खाना पीना गलत है और असंयम है, आसन प्राणायाम नहीं है, इसलिए। खैर, पत्नी का मुझे फोन आया, ऐसे ऐसे हो रहा है, और उनके छोटे भाई वो एक कागज लेके आए कि भाभी तुम यहां साइन कर दो, हम देख लेंगे सब। हमने उसे माना कि मैं खबरदार किसी कागज पर साइन किया, और इस समय तुम किसी की मत सुनो, ध्यान बस वहां दो, उसका इलाज सही से हो, उसे होश आ जाए, बाकी सब चीजें बाद की हैं। 72 घंटे से पहले पहले पति को होश आ गई, लेकिन लेफ्ट साइड पैरालिसिस, जान बच गई, घर आ गए, फिजियोथेरेपी वगैरह सब होती रही धीरे धीरे। उन दोनों का ये कहना था कि ये सोचा नहीं था कि अपने ही रिश्तेदार ऐसे शत्रु हो जाते हैं। अच्छी बात, हम तो रोज कहते रहे आप सुने नहीं, अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया, अब ना मन जोड़ना इनमें, अब नहीं। संसार में स्वार्थी लोग चीलों की तरह नोच के खा जाते हैं, वो अपने भाई हूं, अपनी बहनें हूं कि अपने बच्चे हूं, छोड़ता कोई नहीं है। वाणी बार बार हमको ये इस चीज के लिए समझा रही है, बता रही है, और अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो इसमें नुकसान आपका है। जीवन में ठहराव ज्ञान से आता है, जीवन में आनंद ध्यान से आता है, चीजों से नहीं आता। तो चीजों के पीछे भागिए मत, और अपने अंदर उस मालिक का सिमरन कैसे चलता रहे इसकी फिक्र करिए, इसका ध्यान लगाइए। गुरुदेव के, श्री गुरु अर्जन देव के इस प्यारे शब्द को श्रवण करिए और महसूस कीजिए इस बात को कि अपने हृदय में संसार नहीं बसाना है, अपने हृदय में प्रभु के चरणों को बसाना। But
चरणों को बसा के रखो, बस बड़े प्यारे हैं चरण, प्यारे बड़े प्यारे, बस उसे बसा के रख। जिसने हम भूले लोगों को मार्ग बताया है, ऐसा ऐसा बड़ भागी, ऐसा बड़ भागी गुरु मिला, जिसने मेरे सोए भाग्य भी जगा दिए है। जो मन काम क्रोध लोभ मोह में लीन था, उसके सारे बंधन काट के गुरु ने मुक्त कर दिया है। ऐसे गुरु के स्मरण कर, याद कर, उसको हृदय में बसाओ। आज के लिए इतना ही।